चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन गोयल घर काली मंदिर में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में गोयल घर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र सनी कुमार सैनी ने बताया कि चैत्र नवरात्र का सप्तमी दिन है, जिसको देखते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं और बारी बारी से लाइन में लगकर माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ से परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का माँ के प्रति आस्था है। वही इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नवरात्र के शुरुआत से ही सभी सफाई कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह महानगर के सभी मंदिरों पर पहुंचकर सुबह 5 बजे से ही सफाई का कार्य करेंगे, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, तथा सभी मंदिरों पर चूना छिड़काव के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र शनि कुमार सैनी और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, भक्त आ रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए दूर दूर से, फिर अपनी अपनी श्रद्धा से लोग अपनी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माता से, फिर रक्षा बांध के मन्नत पूरी करने के लिए बांध रहे हैं। लोगों की मन्नत आस्था है बहुत ज़्यादा पूरी हो रही है, माता जी के प्रति आस्था है लोगों का, और अपना दुख सुख जो भी है माता जी से बता रहे हैं। काफी भीड़ भाड़ होती है नवरात्र में माता जी के मंदिर में। नवरात्र चल रहा है, इसको लेकर नगर निगम के द्वारा मंदिरों की क्या व्यवस्था की? नवरात्र के धार्मिक पर्व के मौके पर, नवरात्र के पर्व की शुरुआत से ही सभी जो हमारे जोनल ऑफिसर हैं, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं और सफाई कार्य में लगे हुए सभी सफाई कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो प्रातः काल में ही 5 बजे से उठकर जितने भी हमारे मंदिर हैं उनमें सब पे अच्छी तरह से सफाई करके, उनके सामने धूल अगर वह रहे तो वहाँ पानी का छिड़काव कर और वहाँ पर चूने आदि की व्यवस्था कर दें। इसके साथ ही जो वहाँ पर, चूँकि पब्लिक श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शाम के समय जो है वहाँ पर जाकर उसको फॉगिंग की भी व्यवस्था कर दें, जिससे कि मच्छर आदि ना लगे। एक कह सकते हैं कि पूरा इस वक्त जो गोरखपुर शहर है पूरे धार्मिक भक्तिभाव में जुटा हुआ है, और नगर निगम भी अपने इन सभी श्रद्धालु भक्तजनों के साथ पूरे तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर उनके इस धार्मिक कृत्य में पूरी तरह से शामिल है, और हम लोगों ने लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी किसी मंदिर के आसपास कोई भी कूड़ा करकट या गंदगी आदि ना दिखाई देने पड़े। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर ज़रूरत पे जैसे डिमांड आ रही है, हम पानी के टैंकर भी भिजवा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग जो है माता जी के श्रद्धा के उसमें भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग वहाँ पर उनसे उनकी डिमांड पर बड़े बड़े डस्टबिन रखवा रहे हैं, पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं, जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से ये जो इतना बड़ा ये धार्मिक पर्व है, तो इसमें नगर निगम की पूरी टीम को लगा के कोशिश की जा रही है कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आने पाए।